हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं चिंटू की मम्मी बोल रही हूँ। आज मैं रेखवंश बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने ये चने के दाल ली हूँ और कोचई का पत्ता ली हूँ और अदरक लहसुन और हरी मिर्ची ली हूँ। अब ये रेखवंश बनाने के लिए कई लोग बेसन से बनाते हैं, पर मैं चने के दाल से बना रही हूँ। बेसन कभी कभी अच्छा रहता है, कभी कभी ख़राब आ जाता है, इसलिए उतना स्वादिष्ट नहीं बनता है। पर चने के दाल को रात भर फुलाओ और दूसरे दिन मिक्सर में पीस के पेस्ट बना लो। फिर उसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया भी डालना पड़ता है और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालते हैं। फिर ये रेखवंश बनाते हैं। फिर बनाने के बाद और बताऊँगी। तो मैंने छोटा सा गार्डन बनाया है, उसमें कई प्रकार के पौधे लगाई हूँ। जैसे ये कोचई का पत्ता का झाड़ लगाई हूँ, फिर मीठी नीम लगाई हूँ और तुलसी की झाड़ लगाई हूँ और करेले की झाड़ लगाई हूँ। और मैंने अपना छोटा सा गार्डन बनाया है, उसमें कई प्रकार के झाड़ लगाई हूँ। तो उसमें ये रेखवंश का घुइया का पत्ता तोड़ के लाई हूँ। देखती हूँ कितने सारे निकला मेरे रेखवंश के पत्ते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पत्ता इसमें काफ़ी बन जाएगा रेखवंश। अब रेखवंश जब बन जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं दाल पीसूंगी, फिर इसको जब ये घुइया के पत्ता में लपेटूंगी तो फिर आप लोग को दिखाऊंगी। ले रही हूँ, बोल दीजिए। अब मैं मिर्ची धो ले रही हूँ और अदरक अदरक को छील के डालूंगी। फिर इस दाल पीसने के पहले इसको देखना चाहिए कि अच्छे से फूला है कि नहीं। जितना अच्छा फूलेगा उतना अच्छा पेस्ट बनेगा और रेखवंश बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनेगा। अब मैं इसको पीसने जा रही हूँ, मिक्सर में इसको डाल दे रही हूँ। इसको थोड़ा थोड़ा करके पीसूंगी, ज़्यादा है दाल। अब इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची भी डाल दूंगी, साथ में पीस जाएगा। और ये पेस्ट में हल्दी, मिर्ची, धनिया भी डालूंगी। दोस्तों इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, पानी डाल के पीसेंगे तो अच्छा पीसेगा। ढक्कन लगा रही हूँ, अब पीसूंगी मैं। देखिए इतना अच्छा पतला पीसा हुआ है, मस्त एकदम बारीक। अब इसका रिक गया है, अब इसका रेखवंश बहुत अच्छा बनेगा, एकदम स्वादिष्ट। बेसन से तो बनता ही है अच्छा, पर ये दाल से जो बनाएंगे ना बहुत ही स्वादिष्ट खाने में लगेगा और तो बनता भी बहुत अच्छा है। एक पीस लेती हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये पेस्ट बन गया है चने दाल का। इसमें मतलब अदरक लहसुन और हरी मिर्च पीस लिए इसी में। अब इसमें मैं ये डाल रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर। अब इसमें थोड़ा सा खटाई भी डालना पड़ता है, क्योंकि वो जो कोचई का पत्ता है ना वो मुँह खुजाता है, इसलिए खटाई डालना बहुत ज़रूरी है।
और इसमें नमक अपना स्वाद अनुसार डाल लीजिए। अब ये सब डालने के बाद इसको अच्छा मिला लेना चाहिए। और एक वंच तो मैं बनाऊंगी और बाकी जो पेस्ट बच जाएगा उसका भजिया बना लूंगी मैं। अच्छा फेंटना चाहिए इसको, फिर अच्छा फूला फूला बनता है भजिया और एक वंच भी बहुत अच्छा बनता है। अब मैं ये पत्ता को धो ले रही हूँ, कोचई की पत्ता को अब धो ले रही हूँ। इसको अच्छा से धोना चाहिए नहीं तो ये कीड़े वड़े रहते हैं, बारिश का दिन है ना तो कीड़े आ जाते हैं पत्ते में, इसलिए अच्छा देख देख के बनाना चाहिए। अब इसको मैं लपेटूंगी तो फिर बताऊंगी। इसका डंठल तोड़ लेना चाहिए नहीं तो ये बीच में आएगा लपेटते समय। अच्छे से तोड़ना चाहिए। बन जाएगा तो बहुत अच्छा लगता खाने में, एकदम स्वादिष्ट। आप लोग भी अपने घर में बनाइए और खाइए, आनंद लीजिए खाने का। अभी इसमें बेसन लगा रही हूँ मैं। तो लगाते समय एक एक पत्ता रखूंगी इसके इसके अंदर। जैसे बड़ा पत्ता बहुत ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे पत्ते हैं, तो अपन छोटे छोटे पत्ते को ऐसे बीच बीच में रख दिया जाता है। ये अंदर अच्छा मस्त रख दो, ये भी काम आ जाते छोटे छोटे पत्ते। अब इसके ऊपर भी लगा देंगे बेसन, मतलब कोई चने दाल का पेस्ट। जितना अच्छा से लगाओ ये चने दाल का पेस्ट उतना अच्छा बनता है, मस्त लगता है खाने में। इसको फिर उबलने के लिए रख देंगे गंजी में। गंजी में पानी रखेंगे और फिर उसके ऊपर एक चलनी रख के इसको लपेट के रख देंगे और फिर ये उबल जाएगा तो इसको फिर इसको गंजी में पानी रखेंगे, उसके ऊपर एक चलनी रखेंगे और फिर इसको लपेट के भपाने के लिए रख देंगे। अब इसको धीरे धीरे लपेट लिया जाता है। अब इसको लपेट लिए, चलनी में रख दिए इसको ऐसा। फिर एक बड़ा पत्ता ले लिए, अभी इसमें भी बेसन लगा लेंगे।
अब इसमें छोटे छोटे पत्ते लगा देंगे। सभी लोग अपने घर में बनाते हैं अपने अपने तरीके से। अब मुझे जैसा आता मैं वैसे बता रही हूँ। सभी लोग अपने घर में बनाते हैं अब मुझे जैसा आता है वैसे बता रही हूँ दोस्तों आप लोगों को। फिर इसको भी रख दिया ऐसा। असल में छोटा सा झाड़ था ना, पत्ते ज्यादा नहीं है, कम पत्ते निकले हैं तो थोड़े से बनेंगे, हो जाएगा खाने लायक का बन जाएगा। देखिए आप लोग इतने कम पत्ते में मैंने कितने कितने सारे बना लिया, तीन तीन बन गया लपेट के। अब इसको काटूंगी छोटे छोटे पीस में तो बहुत अच्छा बनेगा, एकदम मछली के जैसा बनता है। इतने सारे पेस्ट बच गया, अब इसका मैं भजिया बना लूंगी। भजिया भी एक नंबर लगता है खाने में, एकदम स्वादिष्ट। फिर भजिया खा लीजिए या इसका सब्जी बना लीजिए, वो भी हो जाता है। एक ढक्कन, इसमें ढक्कन ढक देंगे। दाल का बचा हुआ पेस्ट का भजिया बना रही हूँ दोस्तों। देखिए ये भी बहुत अच्छा बनेगा, मस्त एकदम फूला फूला स्वादिष्ट, खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप इसे सूखा खा लीजिए या सब्जी इसकी बना लीजिए, सब्जी भी बहुत अच्छा बनता मसाला वाला, पर हम लोग ऐसा सूखा खाएंगे, सब्जी नहीं बनाते। इसके साथ करौंदा की चटनी भी है। इसके साथ करौंदा की चटनी भी है भजिया के साथ खाने के लिए, अच्छा लगता है कुछ चटनी रहने से साथ में। अभी करौंदा बहुत मिल रहा है बाजार में, तो मेरा बेटा चिंटू लाया था खरीद के, तो हम उसके चटनी बना लिए। अच्छा उसमें हरी मिर्च और लहसुन डाल के पीस लिए, बहुत अच्छा चटनी बनता है, एकदम खट्टा खट्टा, भजिया के साथ बहुत अच्छा लगेगा खाने में। देखिए दोस्तों कितना अच्छा खिला खिला बना है और एकदम फूला फूला बना है चने दाल का भजिया, एक नंबर बनता है। आप भी अपने घर में बनाइए और खाइए दोस्तों।
देखिए ये चने दाल का भजिया एक नंबर बना है, एकदम फूला फूला, कलर कितना अच्छा आया है। और इसको आप खाएंगे और उसके चटनी करंदे के चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा, एकदम खट्टी खट्टी चटनी और चने दाल की भजिया। बचा हुआ दाल और फिर भजिया बना रही हूँ मैं। अभी दूसरा बार बना रही हूँ मैं, बचा हुआ पेस्ट रखा है तो उसको और बना ले रही हूँ। तेल अच्छा गरम हो गया है, बहुत अच्छा बन रहा है। इधर हमारा वो कोचई का पत्ता का उबलने के लिए रखी हूँ, वो भी तैयार हो गया। अब मैं दिखाती हूँ निकाल के आप लोग को। इधर कोचई की पत्ता भी मतलब भपाने को रखी हूँ, वो भी भप जाएगा तो आपको दिखाऊंगी निकाल के। अच्छा बन रहा है देखिए आप लोग, एकदम खिला खिला और एकदम फूला फूला। मतलब इसमें हमने वो नहीं डाले हैं, डालते हैं ना फूलने के लिए पाउडर, उसका हमने नहीं कुछ भी नहीं डाले हैं, ऐसे सोडा सोडा नहीं डाले इसमें। कई लोग बनाते समय सोडा भी डालते हैं पर हमने सोडा नहीं डाले इसमें। अब मैं इसको दिखा रही हूँ कोचई का पत्ता जो हमने भपाने के लिए रखा था, देखिए ये भी हाँ भप चुका है। अब इसको फिर भप जाएगा तो आपको दिखाएंगे, कितना अच्छा बन रहा है एकदम। देखते हैं दोस्तों पका कि नहीं पका, पक गया। अब इसे निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए और फिर इसे काट के दिखाएंगे आप लोग को। दोस्तों काटने के बाद कितना सुंदर दिख रहा, इसको फिर तेल में तलूंगी एक एक करके। आप लोग भी अपने घर में बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। ठीक है चलो, इसकी सब्जी भी बनाया जाता है। अच्छा मसाला पीस के और सब्जी बना लो, लेकिन हम लोग इसको तल के ही खा लेंगे। सब्जी और किसी दिन बनाऊंगी,
तो आप लोग को दिखाऊंगी मैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है तलते समय, एकदम बढ़िया। आप जरूर बनाइए और खाइए अपने घर में। देखिए सुंदर दिख रहा है, एकदम खाने में और स्वादिष्ट लगेगा। इसे चटनी के साथ खाइए, एक नंबर लगता है खाने में एकदम। और रखा है, इसको भी तल ले रही हूँ। हेलो दोस्तों, देखिए बन गया है रिकवंश। आप लोग भी खाइए अपने घर में, हम लोग भी अपने बच्चे के साथ खा रहे हैं। आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को देखिए। आप भी दोस्तों अपने घर में बनाइए और खाइए। अगर रिकवंश के लिए आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और धन्यवाद दोस्तों, जरूर से बनाइएगा अपने घर में। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए फिर दूसरा कुछ बना के दिखाएंगे अच्छा चीज। तब तक के लिए नमस्ते।